जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ढीलो ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ढीलो ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन को खोना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ढीलो ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सर, फाउंडर, ऑथर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस चैनल में, जिस चैनल का नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं चार तरह के टर्म्स की बात करने वाले हैं। पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं लेटर्स के बारे में, फिर हम वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें, लेटर्स जिसको हिंदी में अक्षर या वर्ण, जिसे किसी भी भाषा की शुरुआत होती है, वर्ड्स जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं, सेंटेंस जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, और क्लॉज जिसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो इस तरह से आज हम इन चारों टर्म्स को अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर्स जिसकी संख्या 26 होती है। अगर हम लेटर की बात करें, लेटर कहते किसको है, तो आप लेटर्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेटर क्या होता है? तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ विच विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। तो कह रहे हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, यानी जो लेटर है ये अंग्रेजी व्याकरण का सबसे छोटा पार्ट होता है, हिस्सा होता है। विद द हेल्प ऑफ विच, इसके सहायता से वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसे हम वर्ड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वर्ड के लिए जरूरत होती है किसकी? वर्ड के लिए जरूरत होती है लेटर्स। बिना लेटर्स का आप किसी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हमें लेटर्स की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल लेटर्स की संख्या जो है 26 होता है, कुल लेटर्स की संख्या 26, जिसको तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों। तीन भाग जो है, पहला तो वॉवेल लेटर्स की संख्या होती है, वॉवेल लेटर्स की संख्या 5। दूसरा जो लेटर्स होता है उसको हम सेमी वॉवेल्स की संख्या कितनी है, तो 2। और तीसरा जो लेटर्स होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? कॉन्सोनेंट्स की संख्या 19 होती है। तो वॉवेल लेटर्स में 5 जो लेटर्स आते हैं उसमें आता है ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वॉवेल्स में 2 आते हैं, डब्ल्यू और वाई। और कॉन्सोनेंट्स में 19 लेटर्स आते हैं एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू एंड वाई। तो 5 वॉवेल्स और 2 सेमी वॉवेल्स को छोड़ दो,
शेष जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट लेटर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी भी वर्ड का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, लेटर से होता है। यहां हम चारों पार्ट्स को समझेंगे, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है और क्लॉज क्या है, और इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, और फिर इसमें से हम एक एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। अब आपको बता दें कि वर्ड क्या है, वर्ड किसको कहते हैं। तो देखिए अगर हम वर्ड का डेफिनेशन, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच है, विच हैज, विच हैज ए कॉम्प्लीट मीनिंग, ए कॉम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड। कैरेक्टर ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों का ऐसा समूह विच हैज ए कॉम्प्लीट मीनिंग, जिसका एक सार्थक या पूर्ण अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखिए लेटर्स को कितने पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में बांटा गया, जिसमें वॉवेल लेटर्स आता है, सेमी वॉवेल्स आता है और कंसोनेंट्स आता है। उसी तरह वर्ड्स को जो है हम एट भाग में बांटते हैं, इसका एट पार्ट, एट पार्ट होते हैं, जिसमें पहला नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा वर्ब होता है, पांचवा एडवर्ब होता है, छठा प्रीपोजिशन, सातवा कंजंक्शन और आठवा इंटरजेक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स के टाइप्स होते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ड क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों का ऐसा समूह है विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो आठ होते हैं, यानी शब्द के आठ भेद होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो छठा जो है इसमें प्रीपोजिशन है, सातवां आप लोग लिखेंगे कंजंक्शन, आठवां लिखेंगे इंटरजेक्शन। तो ये वर्ड्स के क्या है, वर्ड्स का डेफिनेशन, वर्ड्स का काइंड। इसके बाद अगर हम सेंटेंस की बात करें, तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, वर्ड्स की जरूरत होती है। बिना वर्ड्स का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। लेटर्स से हम वर्ड्स का निर्माण करते हैं, वर्ड्स से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज, विच हैज ए कंप्लीट, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस जो होते हैं ये छह होते हैं, देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें पहला सेंटेंस आता है assertive sentence, assertive sentence। दूसरा जिसे हम interrogative sentence कहते हैं, interrogative sentence। तीसरा जिसे हम imperative sentence कहते हैं, imperative sentence। चौथा जिसे हम optative sentence, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लाम
मैत्री एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और छठा जो होता है वो आपका कहलाता है इम्पैटिक सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस में कुल सिक्स टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लॉज की, क्लॉज किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि क्लॉज, एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है, विच है ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। करेक्ट, ए क्लॉज इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और तीन तरह के क्लॉज होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरा आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से ये तीन क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो लेटर्स की कुल संख्या 24 होती है, जिनको तीन पार्ट में बांटा गया। वॉवेल्स 5 होते हैं, सिलेबल्स 2 होते हैं, कंसोनेंट्स 19 होते हैं, और क्लॉज को तीन पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रिंसिपल क्लॉज जिसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आगे जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि ये कैसे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इनको क्यों डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग जाने लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस का डेफिनेशन, और प्लस उसके कितने पार्ट्स या काइंड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके 8 भाग होते हैं। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसका 8 भाग जानेंगे, फिर हम सेंटेंस की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, assertive, interrogative, imperative, optative, exclamative sentence, emphatic sentence क्या होता है, साथ ही साथ आपको simple sentence, compound sentence, complex sentence और mixed sentence के बारे में बताएं, और फिर हम क्लॉज की चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ आप जिस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उसे आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं, उस तरह के वीडियो को भी मैं प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, किसी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है, किसी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचाना बहुत ही कठिन होता है। आपको जिद करना होगा, आपको संकल्प लेना होगा, तभी आप किसी काम को अंतिम उसका रिजल्ट दे सकते हैं। और किसी काम को शुरू करना, काम को शुरू करना काम नहीं होता है, काम को शुरू करना ही काम नहीं होता है, काम को उसके परिणाम तक पहुंचा देना ही काम। इसलिए आपने अगर संकल्प लिया है कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सारा का सारा आपके कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए ध्यान से एक एक वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आने पर मुझे कॉमेंट सेक्शन में